सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्ट वैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फेक्शन। सॉफ्ट वैक, रहो हल्के, जियो खुल के। इमरान हाशमी की नई फिल्म हरामी का ट्रेलर 28 सितंबर को रिलीज हुआ। एक समय ऐसा था जब इमरान सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में नजर आते थे, मगर पिछले कुछ सालों से इमरान ने अपनी फिल्मों के टेस्ट को बदल दिया है। हरामी फिल्म इमरान हाशमी की पहली इंडो अमेरिकन फिल्म है। इस फिल्म से इमरान 6 सालों बाद इंटरनेशनल पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। तो कैसा है फिल्म का ट्रेलर, क्या है फिल्म की कहानी, सब कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म हरामी की कहानी मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाले उन छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जिन्हें इकट्ठा करके मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर चोरी करवाई जाती है। कहानी है उस पूरे गिरोह की जो इन बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे या तो चोरी करवाता है या भीख मंगवाता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह बच्चों को उनके नंबर दिए जाते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं। ऐसे ही एक गिरोह को कंट्रोल करते हैं इमरान हाशमी, जो बच्चों को डरा धमका कर उनसे काम करवाते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनता उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। कहानी है उन अनाथ बच्चों की जिन्हें उनके जानने वाले सिर्फ उनके हाथ पर गोदे गए नंबर से बुलाते हैं और समाज उन्हें हरामी कहकर बुलाता है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपको साल 2007 में आई कुणाल खेमू की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल याद आ जाएगी। हालांकि उस फिल्म की कहानी उन लोगों की थी जो ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं, हरामी मूवी की कहानी उन बच्चों की है जो मुंबई स्टेशन पर लोगों का पॉकेट मारते हैं या चोरी करते हैं। अब जानते हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर कैसा है। इस फिल्म का ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर की शुरुआत होती है और बचपन एक शीशे के सामने खुद को देखता है और हाथ में चुराए हुए आधार कार्ड से नाम पढ़ता है। फिर उसका दोस्त उसे आकर बताता है, तू 55 है और मैं 86, हम वही नंबर हैं जो वो दिया है। उनकी पहचान सिर्फ वो नंबर है जो उनके हाथ पर खोदे गए हैं। इन बच्चों का लीडर है सागर भाई, यानी कि इमरान हाशमी। कोई सागर के बनाए नियमों को तोड़े ये सागर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सागर के किरदार की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ अंग्रेजी में बात करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक इंडो अमेरिकन फिल्म है, ठीक वैसे ही जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर थी, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश फिल्म। ट्रेलर तब और दिलचस्प हो जाता है जब एक दिन पचपन मुंबई स्टेशन पर एक आदमी का पर्स चोरी करता है। पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस आदमी का पैसा चुराया है उसने अपनी बेटी की शादी के लिए वो रुपए उधार लिए थे। अब बचपन को पछतावा होता है और वो ठान लेता है कि उस लड़की को सारे पैसे वापस करेगा। जैसे तैसे वो उस लड़की से मिलता है और उसे अपना दिल दे बैठता है। अब जब इस बात का पता सागर को चलता है तो खूब बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सागर बचपन को मारता पीटता है। बचपन का झगड़ा उसके अपने दोस्तों से भी होता है। इतनी सारी परेशानियों के बाद बचपन उस लड़की की मदद करता है। बस इसी की कहानी है हरामी। अब बात आती है किरदारों की। इस फिल्म में कौन कौन है। इस फिल्म में इमरान हाशमी है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी साल 2014 में इमरान इंटरनेशनल फिल्म में काम कर चुके हैं। फिल्म का नाम था टाइगर्स, जिसे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डेनिस स्टानोविच ने बनाया था। रिजवान शेख इस फिल्म में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में उन्होंने 55 का किरदार निभाया है। उनकी एक्टिंग कमाल की दिख रही है। रिजवान अभी सिर्फ 16 साल के हैं। फिल्म में वो जेब काटने वालों के लीडर बने हैं। अब देखना होगा पहली फिल्म से वो लोगों को कितना इंप्रेस कर पाएंगे। इस फिल्म में धनश्री पाटिल ने उमा का किरदार निभाया है। वो भी इसी फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू कर रही है। उमा वही लड़की है जिससे बचपन प्यार करने लगता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की स्वाभिमानी लड़की जो किसी भी ऐरे गहरे से पैसे नहीं लेती। इन सभी के अलावा इस फिल्म में हर्ष राजेंद्र राणे, आशुतोष गायकवाड़, मच्छिंद्र गडकर, सार्थक दुसाने, मनीषा मिश्रा, यश कांबले, आदित्य भगत, दीक्षा निशा और आदिल खान जैसे कलाकार भी होंगे। फिल्म बनाई है श्याम मदिराजू ने, जो इससे पहले साल 2014 में आई केक, इडन और साल 2016 में आई जेट जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। श्याम मदिराजू ने इस फिल्म के निर्देशन के साथ कहानी भी लिखी है। फिल्म के लिए हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं प्रशांत पांडे ने, जो इससे पहले फिल्म रक्त चरित्र, कॉन्ट्रैक्ट, पूर्णा और रण जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिख चुके हैं। फिल्म को इमरान हाशमी ने US बेस्ड प्रोडक्शन के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इमरान हाशमी की ये फिल्म बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी जो इस साल अक्टूबर में आयोजित होगा। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ऑडियंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। 21 अक्टूबर को होने वाले बुसान फिल्म फेस्टिवल में ही हरामी मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर होगा, माने 21 अक्टूबर के बाद ही इसे देखा जा सकेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।